साथियों समय हो चुका है आपकी अगली क्लास का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, और उसके बाद हम अगला पार्ट लेकर के चलते हैं आपके सामने। हमारे साथ बने रहिएगा पूरा टाइम, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर सवाल जो है ना थोड़ा सा अड़बड़ा सा है, थोड़ा सा अजीब सा है, सुनिएगा पहले, भागिएगा मत। संख्याओं पर आधारित सवाल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 8 की मैथ आप देख रहे हैं, 10 मतलब एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन सुनिए, दो अंकों की एक संख्या में मतलब समझना, दो अंक की संख्या है, ठीक ना, दो अंकों की कोई एक संख्या है, उसमें क्या है, इकाई के अंक का दो गुना है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक जो है वो दहाई का दो गुना है, ठीक, समझना। जैसे इकाई का अंक अगर दो है तो दहाई वाला चार है, इस तरह से है। अगर इकाई का अंक तीन है तो दहाई का अंक छः है, इस तरह से कोई संख्या है। आगे क्या कहता है, यदि अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये चार और तीन था तो इसको तीन और चार कर दिया जाए, तो क्या होता है, इतना करने के बाद कह रहा कि 15 जोड़ भी दिया जाए इसमें, तो नई संख्या मूल संख्या की 4/5 हो जाती है, तो वो संख्या बताइए। चलिए सवाल आपके सामने दिखाते हैं फिर आगे चलते हैं। सवाल आपके सामने आ चुका है, चलिए हमने समझा दिया पहले से, अब इसको शुरू करते हैं। देखिए साथियों हल कैसे करेंगे, हल में लिखो माना, क्या मानेंगे पहले, इकाई का अंक की दहाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x, ठीक, इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक देखो ध्यान से समझना, कह रहा है कि एक संख्या के दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दो गुना है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये x है तो उसका दो गुना हो जाएगा, मतलब ये 2x हो जाएगा, इतना तो कह रहा था, हमने लिख लिया। अब ये बताओ संख्या क्या होगा, संख्या बराबर हम बताएं क्या होगा, 10 × 2x + x = 21x। अब आप लोग कहेंगे ये 10 से गुणा काहे कर दिए, ये कौन सा झंझट है, और x जोड़ काहे दिए, नहीं समझ में आया ना, इधर समझना। जैसे आप मानिए कि आपने कोई एक संख्या मान लिया और वो क्या है 31, ठीक, थोड़ा हटके, जैसे हम 21x ले आए वैसे इसको मान लिए, ये मानिए संख्या है 31, ठीक, आप जानते हो इसमें इकाई का अंक यानी वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, ये क्या है इकाई का अंक है, हिंदी में समझिए वंस प्लेस पर ये क्या है दहाई का अंक है, यानी टेंस प्लेस पर है ना। आपको कोई दे दे कि एक संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है 1 है और दहाई का अंक क्या है 3 है, देखो इसमें 3 है ना, है ना। अब ये बताओ अगर आपको कह दिया जाए कि आप इससे संख्या बनाइए तो कैसे बनाओगे, इकाई का अंक जो है 1 है, दहाई का अंक 3 है, संख्या कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ी है कि दोनों ला के एक मिला दोगे बस हो गई इकाई दहाई, ऐसे नहीं मिलाओगे ना, कैसे मिलाओगे भाई, सिंपल सी बात है, जो दहाई का अंक है दहाई से ही स्पष्ट है कि उसमें 10 छिपा है ना, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे संख्या, ऐसे जैसे यहाँ पर बनाया गया, अगर किसी भी संख्या के इकाई और दहाई का अंक दिया है तो हमेशा आप क्या करोगे संख्या बनाने के लिए, याद रखिएगा इसको, संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दोगे, संख्या बन जाएगी, बात समझ में आई ना, ऐसे नहीं लिखोगे बगल बगल ले जाकर हटा दिए बस हो गया 31 बन गया, ऐसे नहीं बनता है, क्या करोगे जो इकाई का अंक दिया रहेगा, मतलब इसमें 3 में इसमें 10 से गुणा करोगे तो 30 आएगा, और इस 30 में जो दूसरा है उसको ला के जोड़ दोगे तब 31 बनेगा, ये संख्या बनाने का तरीका है, ठीक, तो ये हो गया 21x। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि अंकों को आपस में बदल कर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। अब सिंपल सी बात है, आपस में बदलोगे कैसे, जैसे 21x है तो उसको बदल के क्या करोगे, इतना तो ठीक है समझ में आ रहा ना, 21x में अगर आप बदलोगे तो 12x हो जाएगा, देखिए इधर समझना, देखिए इसको सिंपल सी बात है,
एक्स से कोई मतलब नहीं है, एक्स तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, चर पद है ना, हमें अचर पद से मतलब है, कांस्टेंट से। 21 को आपस में बदलोगे तो क्या होगा भाई, जो 2 पहले है 1 बाद में है, 1 पहले हो जाएगा 2 बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए पहले प्रश्न अनुसार क्या करोगे, अंकों को आपस में बदलोगे तो ये 12x हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, आपस में बदलकर 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3/4 हो जाती है। अब नई संख्या कहाँ से आई, नई संख्या मतलब जो जोड़ा घटाया यही तो बनी नई संख्या ना, है ना, यही तो नई संख्या है ना, मतलब 12x+15 ये नई संख्या है, मूल संख्या की 3/4 हो जाती है। मूल संख्या क्या है हमारी, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे बोलते हैं, मूलधन पड़ा है ना उसमें, मूल संख्या ही तो है 21x, इसकी क्या हो जाती है 3/4 गुनी हो जाती है। मतलब ये मत समझना कि 3/4 से उसमें गुणा करेंगे, अभी फिर से देख लेना, जीरो लेवल ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये 3/4 का 21 एक्स में गुणा हो जाएगा, ये पूरा फंडा था मेन। अब इसी को आपको हल करके एक्स का मान निकालना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना लिख लिए हूँ तो आगे बढ़े, हो गया ना इतना। देखिए थोड़ा टाइम लेकर के आया करिए, सवाल जो है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी अगर चाहें तो इसको 1 मिनट में लगा के आपको आंसर दे दें, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, आप मार्केट जाते हो, अगर आप 5 रुपये का कोई सड़ा एक एप्पल ले आओ, सेब ले आओ, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड जाता है जो 25 रुपये का एक फ्रेश एप्पल लाता है खूब अच्छा सा, तो ये बताओ अच्छा काम किसने किया, आपने तो 5 रुपये दिए लेकिन वो किसी काम का नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, फेंकना पड़ा, लेकिन आपका फ्रेंड भले आपसे 5 गुना ज़्यादा दिया, 25 रुपये दिया, लेकिन उसका एक एक पैसा काम का तो आया। तो वैसे आप कोई क्लास देखते हो, कोई वीडियो यूट्यूब पे देखते हो, 10 मिनट गंवाते हो, कुछ नहीं समझ में आता है, PVR स्टडी में आप 25 मिनट गंवाते हो, 2 सवाल समझ जाते हो, ये ज़्यादा अच्छा है, बात समझ रहे हो ना, तो कुछ अच्छा करिए। चलिए उसी को हल करना है जो इधर तिकड़म दिया है, इसको आप क्या करोगे, गुणा कर लो, गुणा करोगे तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, यहाँ ला के लिख लें क्या, ये 12x+15 बराबर, इसको गुणा कर लो, 21 का गुणा करोगे तो ये 3 में हो जाएगा 63x, और नीचे 4 लिख दूं क्या, चलो ठीक है 4 मैंने लिख ही दिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे, सीखे हो ना ऐसे तिरछा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौका 48x, और धन ये 12 चौका 60, मतलब 4 का इसमें भी गुणा हुआ इसमें भी, और ये बराबर हो गया 63। बात समझ में आ रही ना, नीचे लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग कमेंट कर करके बताया करिए। तो मित्रों कुछ गड़बड़ हो रहा है का, ये x भी है ना, अब ये हो जाएगा 48x-63x = -60। चर पद को एक तरफ कर लिया, अचर पद को एक तरफ कर लिया, मतलब जो चर अचर का गुणनफल था एक तरफ, इसमें से घटाओगे 48, ये कम है वो ज़्यादा है घटेगा, लेकिन माइनस में आएगा तो 12 3 15 आएगा, हाँ जी 15 आएगा ना, माइनस में 15x = -60। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो जानते हो 4 आएगा ना, 4 आएगा x का मान, क्या आएगा 4, ध्यान देना, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल आएगा -60/-15, काट दो x का मान 4 आ गया, यानी कि संख्या कितनी आ गई, नीचे लिख लो, अतः संख्या बराबर 21x = 21 × 4 = 84। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, सवाल गलत है कि सही है, जैसे जैसे कहा गया है कंडीशन फॉलो करिए, आप जांच भी कर सकते हैं, बताइए जांच करके दिखाएं कैसे होगा, ध्यान देना, टाइम की कोई परवाह मत करना, समझने की कोशिश करना, दोबारा से ना पढ़ना पड़े बस, ठीक ना, देखना पूरा। चलिए उत्तर की जांच करते हैं, 84 सही है कि गलत है, 84 सही है कि गलत है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे करेंगे, अगर सब नियम विधि अच्छे से लगा है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा, और गलत होगा तो आज के बाद क्लास मत देखना PVR स्टडी की, और सही होगा तो फिर रोज़ देखना और सबको शेयर करना। चलिए कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, हमारा जो उत्तर आया 84 आया है, पहली कंडीशन,
इकाई का अंक हमारे पास 4 है, दहाई का अंक 8 है। पहली लाइन में कह रहा है कि अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। सिंपल सी बात है, सबको दिख रहा है, आंख बंद करके देखो तब भी दिखेगा, 8 जो है 4 का दोगुना है ना दोगुना। पहला कंडीशन ठीक है, पहली लाइन सही है। यदि अंकों को आपस में बदल कर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3/4 गुनी हो जाएगी। इन अंकों को आपस में बदलो तो ये 48 हो जाएगा। कह रहा है कि ये में 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए, 15 हमने जोड़ दिया। अभी आएगा 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 आया, 63 आया ना। कह रहा कि जो ये नई संख्या आई मूल संख्या की क्या है, 3/4 गुनी है। क्या है, 3/4 गुनी है, मतलब मूल संख्या कितनी है, 84 है ना, इसकी वो क्या है, 3/4 गुनी है। कैसे जानोगे 3/4 गुनी है कि नहीं है, चलो देख लेते हैं। इसको 3/4 से गुणा करो, अगर 63 आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो गड़बड़ है। चलिए गुणा करके देखिए जल्दी से कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा। काहे रुक गए, 4 2 8, 4 1 कम 4, देखो 21 गुणा 3 63 आ गया ना, वो भी 63 आया ना, 63 आया, दोनों सही है ना। अब क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए जिससे अगली क्लास भी मिल सके। बात समझ में आई ना, कमेंट करना, ना समझ में आया तो डिसलाइक करना और कमेंट करके बताना नहीं आया, फिर से देखना वीडियो को, बार बार देखना, गारंटी है आएगा, ठीक ना। अब हमारी कोशिश होगी ज़्यादा सवाल नहीं, कम से कम सवाल और कम से कम समय में। चलिए तो आज की ये क्लास यहीं तक साथियों, अगली क्लास फिर से, जय हिंद। थोड़ी देर बाद आप अगली क्लास फिर से देख लीजिएगा, आज ही की डेट में, मतलब अब हम आपको 15 15 मिनट की 3 क्लास देंगे हर दिन, एक क्लास में 45 मिनट नहीं, आप बोर हो जाते हैं, जो चाहे देखे जो चाहे वो सब ना देखे। ये क्वेश्चन आप देखेंगे अगली क्लास में, बस जस्ट तुरंत थोड़ी देर बाद, यानी कि अगर आप सुबह देख रहे हैं तो ये क्लास आपको मिल जाएगी 5:30 बजे, और अगर आप शाम को देख रहे हैं रात में तो ये क्लास आपको मिल जाएगी कितना बजे, रात 8 बजे, ठीक है। 15 15 मिनट के अंतराल पे अब हम आपको 3 क्लास देंगे, सुबह और शाम को भी, सुबह PBR स्टडी इलाहाबाद पर और शाम को PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर। अपने विचार को कमेंट करिएगा, ये तरीका अच्छा रहेगा कि नहीं, कि एक ही क्लास में 30 मिनट 45 मिनट अच्छा रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। छोटी छोटी क्लास रहेंगी अलग अलग तो अच्छा रहेगा कि एक ही क्लास में अच्छा रहेगा, ये सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। बस थोड़ी देर बाद आप फिर से वापस आइए रिटर्न, और एक नया फंडा अपनाते हैं आज से। शुक्रिया।